कुख्यात नक्सली और सरकार द्वारा घोषित 25 लाख का इनामी जीवन कंदुलना के सरेंडर करने की खबरें आ रही हैं। जानकारी के अनुसार जीवन कंदुलना भाकपा माओवादी संगठन का हार्डकोर नक्सली था। इस पर बंदगांव, खूटी, मुरहू, मनोहरपुर और अन्य थाना क्षेत्रों में दर्जनों कांड दर्ज हैं। भाकपा माओवादियों में इसे सबसे दबंग और हार्डकोर की श्रेणी में रखा गया था, जिस पर हत्या, हत्या में शामिल रहने, रंगदारी, एक्सप्लोसिव बिछाने और अन्य संगीन आरोप लगे हैं। पुलिस के लिए इसे भारी सफलता माना जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। यह कहा जा रहा है कि इसने रांची में हथियार के साथ समर्पण किया है। सरकार की तरफ से जीवन कंदुकना समेत दर्जनों नक्सली पर 2 महीने पहले ही इनाम की घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं, तत्कालीन डीजीपी MP राव और वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपने बयानों में बार बार दोहराया है कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया, सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।